बिलासपुर पुलिस ने अफीम सप्लाई करने वाले एक तस्कर को ट्रक के साथ पकड़ा, जिसके कब्जे से 2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत तकरीबन 2,50,000 बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को महाराष्ट्र पासिंग ट्रक में अफीम ले जाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने टोल प्लाजा बैरियर के पास ट्रक की घेराबंदी की और जब ट्रक की चेकिंग की गई तो उसमें अफीम के बंडल पाए गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। टोल प्लाजा पाराघाट के पास रेड कार्रवाई की है, जिसमें एक महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी थी MH19GD7613, उसको रोक कर उसमें तलाशी ली गई, जहां हमको लगभग 2 kg अफीम बरामद हुआ है। वहां जो आरोपी वाहन चालक था नौनूर सिंह, उसको अरेस्ट किए हैं, उससे पूछताछ किए हैं, आज उसको न्यायिक रिमांड पे हम लोग भेजे। लेकर आ रहा था अफीम, कहां क्या है, कितने साल से ये संलिप्त था इस पूरे मामले? अभी आरोपी से जो पूछताछ प्रारंभिक हुई है, उसमें जानकारी मिली है कि जो ये वाहन चालक है, गाड़ी को रांची से सूरत की ओर लेके जा रहा था, उसके गाड़ी पे लोहे की सामान लोड हुआ है, लोहे की पाइप है, और उसको रास्ते में भुसावल महाराष्ट्र में जो पड़ता है, वहाँ इस सामान को अनलोड करना था, यानी अफीम को उसको वापस छोड़ना था।